मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल क्या होता है? मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल उस तरह का हॉस्पिटल होता है जहाँ पे कि आपको सारे ही स्पेशलिटी एक रूफ के अंडर में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल। अब मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल के गुड पॉइंट्स ये होते हैं कि अगर कोई पेशेंट जो IVF के लिए आ रहा है, भाई IVF के लिए आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, उसको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे हो सकता है चाइल्डहुड से ही पेशेंट सीजर की दवाइयाँ खा रहा हो, या चाइल्डहुड डायबिटीज़ हो, या फिर एल्डरली स्टेज में भी, क्योंकि आजकल पेशेंट्स 35-40 ईयर्स के भी आते हैं IVF के लिए, इनफैक्ट 50 ईयर्स 55 ईयर्स के भी पेशेंट्स आते हैं, तो उनको डायबिटीज़, BP, हार्ट की प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इस तरह के अगर पेशेंट्स आ रहे हैं और अगर उनको हमें पिकअप करना पड़ रहा है, मीन्स उनके अंडे निकालने पड़ रहे हैं, तो उनको एक बेहोशी की फिटनेस होती है जिसको बोलते हैं PAC। सेफ साइड में रहने के लिए पेशेंट का ये PAC होना बहुत ज़रूरी होता है। वो एक तरह का एनेस्थेटिक चेकअप होता है जो आपके पूरे बॉडी का होता है, जो बताता है कि ठीक है आप फिट हैं कि नहीं एनेस्थीजिया के लिए। अब जब PAC वाले आपको देखेंगे और अगर आपको कोई और डिजीज़ होती है तो वो आपको उस रेफरल के लिए बोलते हैं कि आप उस स्पेशलिटी में जाके दिखा लो, बिकॉज IVF की जो स्पेशलिटी है वो तो हमारी गायनी ऑप्स की है, जो लोग आगे चल के IVF में स्पेशलाइज किए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को आप दूसरी स्पेशलिटी में जब दिखाने के लिए बोलते हैं, तो या तो आपको सेंटर के बाहर जाना पड़ता है, और अगर स्टैंड अलोन सेंटर है तो, पर अगर मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है तो आपको कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, जो दूसरे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होते हैं वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। अगर उन डॉक्टर ने आपके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन लिखा हो तो वो भी उसी सेंटर में हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर कभी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया पिकअप के दौरान, तो आपको अगर ICU बैकअप की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आराम से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल हो सकता है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, मीन्स अगर आपको स्टैंड अलोन सेंटर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करते हो, आपको एक एम्बुलेंस बुलाया जाएगा, उसमें आपको रखा जाएगा, ट्रांसपोर्ट में पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो जाए। आजकल जिस तरह से ट्रैफिक का सीन होता है, आप पता नहीं कितने टाइम आपके वेस्ट हो जाए ट्रांसपोर्ट में, हो सकता है आपको जो ऑप्टिमम केयर होता है वो नहीं मिल सके। तो वो एक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में नहीं होता है, क्योंकि वो तो वहीं पे ICU आप इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कभी किसी डॉक्टर को ज़रूरत पड़ी, जैसे आपके IVF तो हो गया, आपको पोस्ट IVF कॉम्प्लिकेशन हो गए, जैसे आप ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम में चले गए या कोई और प्रॉब्लम हो गई, उस केस में भी आपको देखने के लिए एक जब ICU या किसी और बैकअप की ज़रूरत पड़ती है, वो भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आराम से प्रोवाइड हो जाता है। यूजुअली IVF के केसेस में तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, पर आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट गॉड। तो अगर बेटर है कि हर चीज़ पहले से करके, बिकॉज हम डॉक्टर्स हैं, हमें हर चीज़ पहले से उसका इंतज़ाम करके चलने से बेटर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में जाते हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे हैंड्स बहुत होते हैं सपोर्ट के लिए, मतलब अगर आपने जिस IVF डॉक्टर से केस कराया हो वो अगर किसी वजह से मान लीजिए छुट्टी पे गई हो, ऐसा पेशेंट्स को देखने को मिलता है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, आपको आना है, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्या होता है 24/7 चलता है, बिकॉज उसकी इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा खुली रहती हैं। स्टैंड अलोन जो IVF सेंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 9 to 5 वर्क करते हैं, 5 o'clock के बाद बंद हो जाते हैं। अगर 5 o'clock के बाद अगर आपको कहीं जाने की ज़रूरत हुई तो आप कहाँ जाओगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। पर ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं होता है, उनकी इमरजेंसी सर्विसेज तो राउंड द क्लॉक खुली हैं, इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं, तो वो इमरजेंसी डॉक्टर्स देख करके इमीडिएटली आपके IVF स्पेशलिस्ट को कॉल करके बुला सकते हैं, या आपकी मैनेजमेंट हो सकती है, तो आपका वो जो प्रेशस टाइम है वो लूज़ नहीं होता है। तीसरी ये कि जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं उनके जो गवर्नमेंट के जितने बैकअप्स होते हैं, जैसे फायर बैकअप, सारे NOCs जो होते हैं वो सारे इन प्लेस होते हैं प्रॉपर, बिकॉज वो तो एक मल्टी स्पेशलिटी, बोलने का मतलब ऑल भी क्रिटिकल चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। IVF तो एक बेसिक OPD प्रोसीजर होता है, तो वो सारे उनके जो अप्रूवल्स मिले होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको मदद करते हैं। ऑब्वियसली वो आपके सिक्योरिटी के लिए और आपके प्रोसीजर के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ये भी एक तरह का गुड पॉइंट है एक मल्टी स्पेशलिटी सेटअप में एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल स्टेप। और पेशेंट ये सोचते हैं कि अगर सिंगल सेटअप में जाएंगे तो प्रिवेसी होगी, पर ऐसी कोई बात नहीं होती। जो मल्टी स्पेशलिटी सेंटर्स होते हैं उनमें भी अलग अलग विंग्स बने होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं, अलग अलग चेंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आप मल्टी स्पेशलिटी में आओगे तो आपको कोई प्रिवेसी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप मल्टी स्पेशलिटी में देख सकते हो, जो कि आपको प्राइवेट सिंगल जो सिंगल सेटअप्स होते हैं उसमें नहीं मिलते।